आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल को चार्ज करने के लिए मार्केट में दो टाइप के चार्जर्स हैं, एसी अल्टरनेटिंग करंट और डीसी डायरेक्ट करंट चार्जर्स। अब इनमें फ़र्क क्या है? फास्ट डीसी चार्जर्स में क्या अलग होता है? जो हमारी ईवी बैटरी है वो डीसी यानी डायरेक्ट करंट से चार्ज होती है और इलेक्ट्रिक लाइन में अल्टरनेटिंग करंट आता है। एसी टू डायरेक्ट करंट का कन्वर्टर गाड़ी के अंदर ही होता है। एसी चार्जर से आने वाला एसी करंट गाड़ी में प्लेस कन्वर्टर से डीसी में कन्वर्ट होता है और फिर बीएमएस यानी बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम से पास होते हुए फिर बैटरी को चार्ज करता है। वहीं डीसी चार्जर्स ग्रिड लाइन को एसी को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करके कन्वर्टर को बाईपास करते हुए बीएमएस के थ्रू सीधा बैटरी को चार्ज करता है, इसलिए बैटरी फास्ट चार्ज हो जाती है। हाँ, और एक बात, अगर आपका ईवी बैटरी पैक समझिए 30 किलोवाट आवर का है तो वो 7.2 किलोवाट के चार्जर से लगभग 3 घंटे 25 मिनट में आपकी बैटरी को 0-80% चार्ज कर सकता है। सिर्फ बैटरी कैपेसिटी को 0.8 से मल्टीप्लाई करके चार्जर कैपेसिटी से डिवाइड करना है। उसी तरह से 30 किलोवाट के डीसी चार्जर से 30 किलोवाट आवर की बैटरी 50 मिनट्स में 80% तक चार्ज हो जाती है। सर्वोटेक के एसी चार्जर 3.3 किलोवाट से लेकर 22 किलोवाट तक आते हैं और डीसी चार्जर्स 15 टू 120 किलोवाट तक अवेलेबल हैं। तो ईवी चलाएं, एनवायरनमेंट और पैसे दोनों बचाएं। ऐसे ही ईवी और सोलर रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए सर्वोटेक से जुड़े रहें।